Doctors of India, welcome to again in the Mantra family. Actually, I'm going to upload a video after so long of time because of cold issue. Health सही होना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं प्रिपेयर कर रहा था, कंटेंट नहीं प्रिपेयर कर पा रहा था, बट राइट नाउ आई एम वेल. ओके, सो जो टाइम मिस हो गया बिकॉज ऑफ दैट लाइक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, उस टाइम को मैं कंपनसेट करूँगा जिससे आपका कोई स्टडी लॉस ना हो. ओके, और जो टाइमलाइन हम डिसाइड करके चल रहे थे उस टाइमलाइन के रिगार्डिंग हम स्ट्रिक्ट रहें, और जो इशू क्रिएट हो गए थे, जो लाइक हम अपलोड नहीं कर पाए थे, जिस टाइम को मैं मैनेज करूँगा जिससे स्टडी लॉस ना हो बेसिकली. ओके, सो घबराइएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगेन I am telling you the mantra of the biology still with you. ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि लाइक आप सेलेक्ट हो गए एंड फिर उसके बाद में आपसे हमारा रिश्ता टूट गया. सेलेक्ट होने के बाद में भी आपका रिश्ता हमेशा साथ में रहेगा, और अगर कोई भी पर्सन किसी भी रीजन से सेलेक्ट नहीं हो पाया उसके बाद भी आपसे रिश्ता हमेशा रहेगा. ओके, बिकॉज सेलेक्ट ना हो, एक पर्सन जो ट्राई करता है, जो पर्सन ट्राई ही नहीं करता उसके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पर्सन ट्राई करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और सक्सेस के हम जिस टर्म्स में बोलते हैं कि लाइक एग्जाम क्लियर नहीं हो कर पाता है लाइक, तो उसके साथ भी हम हैं, उसको हम छोड़े, उसके ऐसा नहीं कि उसका साथ छूट जाएगा. ओके, उसके साथ भी है हम, एंड उसके साथ हम विशेष तौर पर रहेंगे कि जो किसी भी रीजन से ट्राई करते हैं बट अपने मंजिल को नहीं पा पाते, क्या रीजन्स है उसके, वो रीजन सब हम डिस्कस करेंगे. इसलिए मंत्रा बायोलॉजी इज ऑलवेज विद यू इन एनी सर्कमस्टांसिस, बट आपसे सिर्फ एक ही हमें सहारा चाहिए, एक ही सपोर्ट चाहिए, आप ट्राई करें. अगर आप ट्राई नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, उस केस में मंत्रा बायोलॉजी क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते. ओके, इसलिए खुद का ट्रायल होना करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है डियर्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं. हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, कि लाइक सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने थोड़ा बेसिकली जाना था कि सेल मेम्ब्रेन को एग्जैक्टली क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके फंक्शंस के बारे में जाना. देखिए, सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सेल मेम्ब्रेन ही नहीं खत्म हो गया, आप जब मेडिकल में भी जाएंगे, जब वहाँ पे आप फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उस वक्त भी सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस आपको दिखाई देंगे. मेडिकल में क्या रोल है, मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और आपका आपकी जो पूरी बॉडी है, वो पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल का एक खेल है. ठीक है, पूरा स्ट्रक्चरली केमिकल पे डिपेंडेंट है, एक केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है. वो केमिस्ट्री एक डॉक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है. अगर वो एक बॉडी की केमिस्ट्री, उसकी बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर्स पकड़ लेते हैं, देन उनको आगे बढ़ना उनके लिए आसान हो जाता है. इसलिए एक पर्सन जो एक मेडिकल की प्रिपरेशन करता है, उसके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. केवल और केवल बायोलॉजी हेल्प नहीं करती उसको सक्सेसफुल बनाने में, और उसको इवन एक आप डॉक्टर बन भी गए, उसके बावजूद भी आपको आगे ले जाने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों जानना बहुत ज़रूरी है. लाइक जैसे कि मैं इन्वायरमेंट से हूँ, आई एम बेसिकली इन्वायरमेंट इंजीनियर. सो इन्वायरमेंट के लिए भी आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन्वायरमेंट में क्या है, जो नेचर में, इवन जो नेचर में जो होता है, वो सब एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. जो नेचर के अंदर घटता है, जो नेचर के अंदर हो रहा है, बहुत कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. बस वही बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इकोलॉजी डिस्टर्बेंस हो जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो कुछ कुछ केमिस्ट्री तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, इवन मैंने जो हमारा जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल चलता है उसमें भी मैंने डिस्कस करता रहता हूँ केमिस्ट्री को लेके. ओके डियर्स, सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे. लेक्चर 7, द सेल ऑर्गनल्स इन द सेल. ओके, हम सेल्स में जो सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर. बाय द वे, जो हमने प्लांट सेल और एनिमल के सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने कुछ सेल ऑर्गनल्स के बारे में तो बेसिक स्टडी कर ही ली थी कि प्लांट सेल में ये एनिमल प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर ये ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में ये ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शंस ये होता है, और अगर ये ना हो तो ये प्रॉब्लम होगी, और ये ना हो तो ये इशू होता है. ओके, एंड कौन कौन से डिफरेंस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, अगर डिफरेंशिएट क्रिएट करें तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑर्गनल्स. सेल ऑर्गनल्स के बाद में हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है बेसिकली, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं. ओके, वो सब हम जानेंगे.
सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 7। भगवान का नाम भगवान को याद करते हुए एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। और जब भी आप कभी स्टडी करें ओके तो एक बार भगवान का नाम जरूर लीजिएगा, जिससे उनका साथ आपके ऊपर बने रहे। ओके, सो बेसिकली दिस आर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर ही होता है, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ओके, इसके अलावा राइबोसोम, सीलिया एंड द फ्लेजेला, सेंट्रोसोम एंड द सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल बेसिकली प्लांट सेल के अंदर होता है केवल। ये वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, माइक्रोबॉडीज। ओके, ये सब बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर। ओके, अब हम वैसे तो हमें सारे सेल ऑर्गेनल्स सारे डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं सेल ऑर्गेनल्स से आते हैं, उनके फंक्शन से रिलेटेड आते हैं या स्ट्रक्चर से रिलेटेड आते हैं। ओके, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट एग्जाम्स में और एम्स एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में सेल ऑर्गेनल्स से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स में बेसिकली एग्जैक्टली है क्या सेल ऑर्गेनल्स? देखिए, सेल ऑर्गेनल्स एक तरह के ऑर्गन है, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स लाइक लीवर, ओके, लाइक द ब्रेन, ओके, लाइक अ हार्ट, लाइक ए लंग्स, ओके, लिम्फो, लाइक बहुत सारे, लाइक हर्निया और बहुत सारे किडनी, ये सब डिफरेंट टाइप्स के, लाइक स्प्लीन, ये सब ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ये ऑर्गन्स क्या होता है, इनका अपना एक काम होता है, जिनको एक पर्टिकुलर काम इनको फिक्स किया होता है, वो अपना फंक्शन करते हैं, जिससे आपका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहता है। अगर कोई भी एक सेल ऑर्गन्स, सॉरी, अगर आप बॉडी ऑर्गन की बात करें, कोई भी एक बॉडी ऑर्गन काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्लियर? सो वैसे ही सेल्स के अंदर ऑर्गन्स जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, बस वो छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जिसको हम सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं, बट वो दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। उस किसी भी ऑर्गन को इसी तरीके से इसको मतलब प्रिपेयर किया जाता है। मैं मान के चलिए किसी एक ऑर्गन या किसी सेल ऑर्गनल्स है, उसका जो ढांचा होता है, मतलब कहने का मतलब है जिस जो उसका ढांचा होता है, ओके, जो ढांचा उसका बनाया जाता है, ठीक है, वो उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उसका एक ढांचा बनाया जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल रैंडमली नहीं प्रेजेंट है, कि किसी के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, किसी के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, किसी के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, तो कोई ना कोई रीजन है, दैट्स वाई उसके अंदर सिंगल है, डबल है, किसी के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट मेम्ब्रेन सराउंड द सेल्स, ऑर्गेनल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस तो बेसिकली ये लाइक आपके दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये डबल मेम्ब्रेन इसलिए होती है बिकॉज इनमें इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है डीएनए की, बट कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास में होती है, जिसकी वजह से इनको डबल मेम्ब्रेन, मतलब एक होता है ना प्रोटेक्शन दिया जाता है डबल मेम्ब्रेन का। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इनमें खुद का कोई डीएनए नहीं होता है, ये सिंगली मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। क्लियर? विदाउट मेम्ब्रेन, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लाइक राइबोसोम है, सेंट्रियोल्स है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन फ्री होते हैं। हाँ, सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। हाँ, उसका जो लेवल है, जो काइंड लाइक जो टाइप है, वो डिफरेंशिएट कर जाता है कि प्रोकैरियोटिक में कुछ दूसरा होता है और यूकैरियोटिक में किसी दूसरे टाइप का होता है, बट प्रेजेंट ये प्रेजेंट दोनों में होता है, कि राइबोसोम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर होता है। ओके,
इवन ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स डिपेंडेंसी द ऑर्गेनल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, सेल ऑर्गेनल्स की डिपेंडेंसी मतलब एक सेल ऑर्गेनल का जो डिपेंडेंसी होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स. ओके, पहले ऑटोनोमस का मतलब समझिए, फिर उसके बारे में जानने का ट्राई करेंगे. देखिए, किसी भी वर्ड्स के, किसी भी साइंटिफिक वर्ड के दो मीनिंग होती है, एक होता है डिफाइन और एक होता है दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव, वो क्यों है, और पहले उसका डेफिनेशन. तो उसके बारे में जानने से पहले उस लाइक उसके ऑब्जेक्टिव में या उसके होने के बारे में जानने से पहले उसका मतलब जानिए कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है. ऑटोनोमस ऑर्गनल्स, ऑटोनोमस इट मीन्स ऐसे सेल ऑर्गनल जो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये लाइक सेल सस्टेन ऑर्गनल्स होते हैं जिनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है ये खुद, क्योंकि अगर हम सेल ऑर्गेनल से बात करें बिकॉज उनके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, इसलिए उनको किसी भी सेल ऑर्गेनल्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, लाइक एग्जांपल के लिए अगर आप सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल देखेंगे तो एक ही एग्जांपल होता है न्यूक्लियस. सेल के अंदर न्यूक्लियस ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सस्टेन होता है और यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है. देखिए, सारी पावर उसके पास में बिकॉज उसके अंदर हमारे बॉस बैठे हैं, डीएनए बॉस उसके अंदर बैठे हैं. ओके, तो डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से उस वो सेल का डिविज़न और डेथ डिसाइड कर सकता है. जैसे हम बोलते हैं डेथ, जब सेल की जब डेथ होती है उसे बोलते हैं अपोप्टोसिस. कई बार ऐसी कंडीशंस आती है कि सेल को अपने आप को ही किल करना होता है, जिसको हम बोलते हैं अपोप्टोसिस. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब सेल का मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि जब सेल को लगता है कि अभी ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रहे तो वो कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है. तो सेल अपोप्टोसिस मतलब न्यूक्लियस बोलता है कि अभी फिलहाल हमें सरेंडर कर देना चाहिए. ठीक है, अब अगर हम रहे तो न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो म्यूटेंट हो जाएगा और कोई भी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है. तो उससे बेटर है कि सेल की डेथ कर दो, सेल को ख़त्म कर दो, उसे बोलते हैं अपोप्टोसिस. ओके, तो ये डिसाइड और सिर्फ न्यूक्लियस कर सकता है बिकॉज उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. ओके, ऐसे बहुत सारे सेल सस्टेनेबिलिटी के एग्जाम्पल्स जनरली आपको मिल जाएंगे, ऑर्गन स्किन के अंदर नहीं. जैसे अगर आप देख, अभी आपने सुना होगा सेल्फ सस्टेन विलेज, आज के टाइम में जो हम कहते हैं ना, जैसे कि स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सेल्फ सस्टेन विलेजेस और सिटी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम जहां हम रहते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप किसी एक विलेज और किसी एक टाउन में रहते हैं या टाउन सिटी में भी रहते हैं. ठीक है, तो आप बहुत चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं. लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट के अंदर कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप डिपेंडेंट हैं. क्लियर, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं कि जब किसी अदर स्टेट से जब एक डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे अपने डिस्ट्रिक्ट में फूड आता है फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं. ओके, हमारी लाइफ जनरली डिपेंडेंसी में होती है. अगर वो सेल्फ सस्टेन नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्फ सस्टेन विलेज बनाने का ट्राई कर रही है. ओके, इवन कुछ विलेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो सेल्फ सस्टेन है, जिनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. वो अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद अपना अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, टेक्सटाइल के लिए खुद पे डिपेंडेंट है. ऐसे विलेजेस हैं जैसे कि गुजरात में है, भावनगर के पास में एक विलेज बनाया गया जो सेल्फ सस्टेन है. ओके, पूना के पास में एक विलेज है जो कि सेल्फ सस्टेन है, जिसको किसी अदर और लाइक विलेज और सिटी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, हाँ, जिसे क्या होता है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, फिलहाल वो एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया आपको. क्लियर, एक होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड कंटेन द इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. देखिए, अब ये क्या होगा कि ये मिडिल सिचुएशन फंस गए, इनके पास इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन पूरी नहीं होती. ठीक है, सेमी ऑटोनोमस मतलब कुछ, जब इनको माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जैक्टली जब डिवाइड होना होता है या माइटोकॉन्ड्रिया को कभी कुछ फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं या डिवाइड होना होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो इनके पास होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन इनको न्यूक्लियस से लेनी पड़ती है. ठीक है, तो वो होते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स. ऐसे हम जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब इनको डिविज़न किया जाता है और जब इनका फॉर्मेशन होता है या फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं
तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपनी रखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से लेते हैं, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनल्स। ओके, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इवन जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, कॉलेज चिल्ड्रंस होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आप भी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फाइनेंशियली और हमारे स्टेबिल फर्दर स्टेबिलिटी के लिए हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, हमारे पास खुद का दिमाग होता है लेकिन स्टिल हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं होता। ओके, दे आर द डिपेंडेंट ऑर्गेनल्स। जैसे कि रिमेनिंग, इनको हम छोड़ दें तो रिमेनिंग सारे सेल ऑर्गेनल्स डिपेंडेंट है। अब वो किस पे डिपेंड है? वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है, मतलब जब तक न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कोई सेल ऑर्गेनल काम नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ काम कर सकता है लेकिन जब उसको डिवीजन करना होगा, जब नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपनी तो रखता ही है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसको डीएनए से, सॉरी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए उससे लेनी होगी। इसके अलावा जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ओके, इवन अदर माइक्रो बॉडीज, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स बिना न्यूक्लियर की परमिशन के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। ये प्रॉपरली डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। जब तक नहीं बनेंगे, जब तक न्यूक्लियस नहीं बोल देगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन में बनाने में बहुत सारे सेल ऑर्गनल्स अपना कोऑर्डिनेशन शो करते हैं तो ऑर्गनल्स अपना काम ही नहीं कर पाते। ओके, जैसे अगर आप एक नॉर्मली देखें तो जैसे कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बहुत इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल के जो जनरली जो पहले के छोटे बच्चे होते हैं, जो जनरली जिनमें अभी माइंड डेवलप नहीं होता, तो वो सभी डिपेंडेंट प्योरली अपने लाइक गार्जियंस और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेमी ऑटोनोमस की बात करें तो जनरली ऐसे बच्चे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स देखेंगे, स्कूल चिल्ड्रंस, ओके, वो जो बच्चे होते हैं वो, उनमें खुद का दिमाग तो आ जाता है बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। और ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स देखें तो आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग हैं, लाइक आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड फादर हो सकते हैं, वो ऑटोनोमस, ठीक है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद दे सकते हैं। क्लियर? ओके, बेसिकली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की आपसे मैं बात कर रहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स आर कंसीडर एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये केवल यही ऐसे चार बेसिकली आपके ऑर्गनल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दैट्स वाई इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। इवन आपके जो सेमी ऑटोनोमस हैं, अगर आप ये बात करें, ये सारे आपके डिपेंडेंट ऑर्गनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट सेल ऑर्गनल्स हैं, बिना न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के काम नहीं करते, बट जब काम करते हैं तो मिलके काम करते हैं। ठीक है, वाइल योर सेमी डिपेंडेंट, सेमी ऑटोनोमस या सेमी डिपेंडेंट ऑर्गनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया बात कर लें, क्लोरोप्लास्ट बात कर लें, तो ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर द नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। ओके, याद रखिएगा। ओके, जैसे कि आपके जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, क्लिक करने की जो इन्फॉर्मेशन आती है, पहले न्यूक्लियस से आती है, फिर इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली, बट स्टार्टिंग न्यूक्लियस से होगी। ओके, लाइक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें, सो ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। देखिए, आपने जो मैंने सेल मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आपको बताया, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गनल्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। ओके, इनको अलग अलग आप उनको देख सकते हैं। आप जब आप सेल के अंदर जाएंगे, ओके, सेल के अंदर जाके देखेंगे, सेल क्या एक तरह का नेटवर्क है, बहुत जंगल एक तरह का। अब उस सेल के जंगल के अंदर आप देखेंगे तो चारों ऑर्गनल्स आपको अलग 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 दिखाई देंगे, क्लियर, बट इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, चारों अलग अलग दिखाई देंगे। एक सेल के जंगल के अंदर गए, एक जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे थोड़ा सा आगे गए गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उसे थोड़ा सा आगे गए एक्सोसोम्स है, फिर देखेंगे वैक्यूल्स है, फिर उसके पास में मेम्ब्रेन है। ओके, सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग आइसोलेट भी कर सकते हो, बट काम एक साथ करते हैं। ठीक है, अब क्या काम करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। बेसिकली क्या करते हैं ये, दे वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ काम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड और प्रोटीन का।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आप बिस्किट खाते होंगे, ओके बिल्कुल खाते हैं, वेफर्स भी आप खाते होंगे, कम खाने चाहिए, बिल्कुल बच्चे तो जनरली खाते ही हैं। आप कोई भी फूड ले लीजिए, फूड की जो पैकेजिंग होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका बनाया जाता है, ठीक है, बनाने के बाद में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, फिर मॉडिफाई करने के बाद में जैसे अपने एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल को आपने बना लिया, रॉ बना लिया, अब रॉ के बाद में उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब उसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, रॉ तो भाई सब रॉ तो कॉमन है, लेकिन भाई जैसी ज़रूरत है उसको अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कर दिया, भाई जैसी पब्लिक को ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है, पैकेजिंग कर दिया, अब पैकेजिंग करने के बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड। सो अब देखिए, अब हमारे सेल तो आपके वेफर नहीं खाते भाई, सेल थोड़ी ना वेफर बनाते हैं और आपके नमकीन बनाते हैं और लाइक बिस्किट्स बनाते हैं और मैगी और समथिंग ये बनाते हैं, ओके। अब सेल्स तो भाई ये काम नहीं करते, सेल तो भैया प्योर लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं, तो वो लिपिड और प्रोटीन का बनाना, उसका मॉडिफिकेशन करना, उसका पैकेजिंग करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, जिसको भी ज़रूरत है उसको, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का ही फंक्शन होता है। समझ में आ गया आपको? बस यही एक सिंपल सा फंक्शन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। हाँ, इसको बनाने के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके ही काम करते हैं। जैसे आप कोई वेफर में देखेंगे तो उसको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, एक उसको बनाता है, ठीक है, बनाने के बाद दूसरी कंपनी उसको पैकेजिंग करती है, तीसरी कंपनी जो होती है ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और चौथी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर होती है। तो वैसे ही ये सब मिलजुल के काम करते हैं, ओके। तो मैंने इसलिए पहले सोचा आपको यही पढ़ाते हैं कि पहले मिलजुल के काम करने वाले मेम्ब्रेन्स भी हमारे ऑर्गनल्स भी हमारे पास में, जैसे देखिए ये दिख रहे हैं हमारे बॉस न्यूक्लियस, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गनल्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये देंगे, सबसे पहले जानना इनके बारे में जरूरी है भाई, क्योंकि बुरा मान जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए है, तो भाई इनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, इसने बोला भाई चलो प्रोटीन बनाओ, तो सारे सेंडो मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल काम पे लग गए, ठीक है। सबसे पहले रफ ईआर, रफ ईआर बेसिकली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ जिनके ऊपर राइबोसोम होता है, और एक होता है स्मूथ जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। तो भाई रफ ईआर ने न्यूक्लियस बॉस से बोला प्रोटीन बनाओ, तो रफ ईआर ने बोला ओके बॉस, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस बनाना स्टार्ट किया, उसने कहा रॉ प्रोटीन बनाया, रॉ प्रोटीन बनाया। अब रॉ प्रोटीन बनाने के बाद में, ठीक है, अब रॉ प्रोटीन बनाया, तो ये देखिए ये आपका जो है यहाँ पे, ये जो रॉ प्रोटीन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वीवसाइकल है, ये ट्रांसपोर्ट मतलब ये ऐसे कह सकते हो कि रॉ मटेरियल रखती है, या ट्रांजिशनल वेसाइकल है ये, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मतलब अभी स्टेबल नहीं हुआ है, ट्रांजिशनल का मतलब अनस्टेबल वेसाइकल है जो मॉडिफाइड होने जा रही है, एक ऐसा पैकेजिंग जो अभी मॉडिफाइड होने जा रहा है। आरईआरएनए के अंदर प्रोटीन तो बना दिया, बट उसको मॉडिफाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो अब वही ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बेसिकली क्या है, एक तरह की कह सकते हो लाइक आपका एक तरह का ट्रांजिशनल वेसाइकल है जो अब मॉडिफाइड होने को जा रही है, अब मॉडिफाइड के बाद अब मॉडिफाइड होने जा रही है, मतलब रो प्रोटीन तो बना दिया भाई आरईआर ने, अब मॉडिफाइड कौन करता है, वो करता है गोल्गी एपरेटस, जो प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट उसको मॉडिफाइड करता है। क्लियर? यह मैं प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ, क्लियर? फिलहाल अभी प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में नहीं, ओके क्लियर। अब ये जो प्रोटीन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका प्रोटीन के अंदर जो सॉरी गोल्गी एपरेटस में जो प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करने का जो मैकेनिज्म होता है वो सिस्टर्नी करती है, सिस्टर्नी फंक्शनल यूनिट होती है गोल्गी एपरेटस में, ये ही प्रोटीन को मॉडिफाइड करती है, ओके। ये मशीनरी है गोल्गी एपरेटस की। अब गोल्गी एपरेटस ने उसको मॉडिफाइड कर दिया, अब उसके बाद में वेसाइकल्स बन गए, मतलब मॉडिफिकेशन हो गए, अब उसकी पैकेजिंग कर दी। पैकेजिंग के लिए मैंने बताया था, पैकेजिंग के लिए क्या करते हैं, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बना देते हैं, और क्योंकि भाई आप किसी को लेके जा रहे हो तो बीच में कुछ खराब वराब ना हो जाए, तो उसको पूरा पैक करके तो भेजते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप अमेजोन से कोई सामान मंगवाते हैं, परचेज करते हैं ऑनलाइन, अगर आप देखते हैं कि जो सामान आपको हैंडओवर हुआ है उसमें पैकेजिंग ही ठीक नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए गोल्गी एपरेटस को ही पता है कि भाई आज के टाइम में सभी समझदार है, ठीक है, अगर पैकेजिंग अच्छी लगी तो सब रख लेंगे, ठीक है, तो पहले पैकेजिंग करके भेजो उसकी। तो ये है, फिर बाद में क्या होता है, ये देखिए ये इसकी पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग होने के बाद में वेसाइकल्स बनते हैं, बाद में वेसाइकल्स आपस में कनेक्ट होकर वैक्यूल्स बनाते हैं और उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है।
क्लियर, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है। अब वो देखिए डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो इसको यूटिलाइज करती है, अपना फॉर्मेशन करती है, ओके, ग्लाइकोलिपिड बनाती है, क्लियर, या सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उससे। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, या तो वेस्ट हो सकता है, वो वेस्ट को बाहर भेज दिया जाता है, और लाइसोसोम्स बनता है, इसी से बनते हैं वैक्यूल से भी। तो डिपेंड करता है कि अब आपने जो आपको जो आपने प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट किया है, अब क्या क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज किया जाता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, या सेल वॉल बनता है, या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, देखिए आरईआर है, आरईआर ने क्या बनाया, रो प्रोटीन। रो प्रोटीन के बाद में वो गया गोल्गी अपरेटस के पास में, ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज समझ लीजिए आप। फिर गोल्गी अपरेटस उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है, और मॉडिफाइड करने के बाद में उससे वेसाइकल्स रिलीज करता है। अब ये जो वेसाइकल्स है, या तो एक वेसाइकल से लाइसोसोम बन जाएगा, लाइसोसोम का ध्यान रखना फॉर्मेशन गोल्गी अपरेटस से ही होता है, और गोल्गी अपरेटस का फॉर्मेशन आरईआर से होता है, क्लियर। फिर वेसाइकल्स जो बनती हैं आपस में मिलकर वैक्यूल्स बनाती हैं, जिनको बाहर की तरफ सिक्रेटली कर दिया जाता है। फिर वो वैक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, फिर वो वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दी जाती हैं, क्लियर। सो ये सब हमने बेसिकली बेसिक जाना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, अब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में से सभी ऑर्गनल्स के बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं भाई, हर ऑर्गनल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट मींस एंडो मतलब अंदर, ओके, प्लाज्मिक मतलब ये लाइक आपका जो लाइक जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब प्लाज्मिक मतलब कैसे, तो प्रोटोप्लाज्म होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर की तरफ एक जाल, ओके। प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जाल है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब होता है जाल, क्लियर। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई थी यूकेरियोटिक सेल्स में, जब वहां पे एक नेटवर्क और रेटिकुलम को देखा गया, जो रेटिकुलम एक छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का बना हुआ था और साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ था, हम देखेंगे स्ट्रक्चर उसका बेसिकली। जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, देखिए ये आपका सेल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो जाल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, मतलब पूरा बीच का एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कवर करता है, पूरा जाल है अंदर की तरफ, पूरा जाल बिखरा हुआ है। ओके भाई, अब देखिए अब ट्रांसपोर्ट करना है अगर आपके प्रोटीन का या लिपिड का फ्रॉम द साइड ऑफ द न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन आई, फिर उसको अगर आपको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा ना भाई, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। सो यही नेटवर्क को बनाते हैं, ओके, क्लियर। इसमें बेसिकली कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सिस्टर्निज होती है, वो हम डिटेल में भी देखेंगे थोड़ी देर में। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है ईआर। ओके, आप कहेंगे सर ईपीआर क्यों नहीं लिखा, जनरली इसको हम ईआर ही बोलते हैं, जनरली जो एब्रीविएशन दिया जाता है ईआर ही दिया जाता है। इट डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेस इन टू द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। देखिए इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये सेल एक विद इन अ सेल, अगर दो डिफरेंट सेल्स होते हैं तो हम बात करते हैं इंटर सेलुलर, मतलब विद इन ए सेल स्पेस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, एक होता है इन सेल ईआर के अंदर और एक होता है ईआर के बाहर। जो ईआर के अंदर होता है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, और जो ईआर के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। ओके, ईआर बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम के साथ ईआर होता है, वो ईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं, सरफेस के ऊपर अटैच्ड होते हैं। ओके, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर वो नहीं होते, ऐसी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ दिखाई देती है, उनको बोलते हैं लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ प्रोटीन ही बनाती, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो राइबोसोम देखिए या तो राइबोसोम बेसिकली बिखरे हुए होते हैं या फिर सेल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, जनरली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होते हैं। ओके, तो वहां पे अब इसमें राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने के बाद में वो सिस्टर्निक एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक नेटवर्क है, जाल है जिसके थ्रू प्रोटीन और लिपिड को बना के भेजा जाता है।
तो आर ई आर बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, और आर ई आर के अंदर भी याद रखिएगा सिर्फ राइबोसोम प्रोटीन मशीनरी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मशीनरी नहीं है। राइबोसोम अटैच्ड होता है उसके साथ में और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बनता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है लिपिड के फॉर्मेशन के लिए, ये स्मूथ है, ये लिपिड बनाता है। तो प्रोटीन एंड लिपिड ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा सर कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली जो प्रोटीन एंड द लिपिड है ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली बनाता है प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है आपका लाइक कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो, स्टीरॉयड कह सकते हो, और आपका लाइक स्टीरॉयड्स हो गया, लिपिड कोलेस्ट्रॉल ये सब बनाते हैं। याद हो तो आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर थी उसमें जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था, तो भाई साहब जी यही बनाते हैं। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना बना के सेल मेम्ब्रेन को भेजता है। भाई तू बना, अगर तुम सेफ हो तो हम सेफ हैं, तो तू बना बना के उसको भेजता रहता है। देखिए जैसे ये बेसिकली क्या है आपका, ये दिख रहा है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दिख रहा है पूरा एक नेटवर्क सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर ये जो लाइक आपको रेड रेड दाने दिखाई दे रहे हैं, दाने, ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, और इसका बाहर की तरफ जो लिक्विड है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। मैंने बोला ना क्या होता है कि देखिए राइबोसोम जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोप्लाज्म को में इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटो मतलब जो लिक्विड, अब साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड एंडोप्लाज्मिक में चला गया, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म का ही लिक्विड होता है, अब जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड एंडोप्लाज्मिक के अंदर चला गया उसको ल्यूमिनल बोल दिया, और जो बाहर रह गया उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोल दिया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आर ई आर है बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम है। ठीक है, अब जैसे हम डिफरेंस देखेंगे तो ये राइबोसोम है, ई आर है, एस ई आर के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर लेवल पे भी डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है। आर ई आर के अंदर बेसिकली सिस्टर्निज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आर ई आर के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे देखेंगे राइबोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर ने 1987 के अंदर उसको ऑब्जर्व किया था बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जनरली आप देखेंगे जब हम किसी सेल ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं तो उसके लिए दो वे यूज़ करते हैं, या तो फिर हम एंडोप्लाज्मिक जैसे या तो फिर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये एडवांस वर्जन का होता है, आप जो लैब में देखते हैं वो ब्राइट या लाइट माइक्रोस्कोप होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेसिकली ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि रिसर्च लैब के अंदर होता है। आपकी जो स्कूल लैब के अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा आपका लाइट या ब्राइट माइक्रोस्कोप। एंड फिर जब ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या देखा कि इसके अंदर एक ट्यूब्यूल्स और एक सिस्टर्नी का पूरा एक नेटवर्क अंदर की तरफ छाया हुआ है, जिसको नाम दिया उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बेसिकली यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो बेसिक फंक्शन है उसका एक एक नेटवर्क बना के रखना, ठीक है, इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बना के रखना विद इन अ सेल, सेल्स के अंदर नेटवर्क बना के रखना। सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस और राइबोसोम करता है। बट इसके अंदर सिंथेसिस में ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्सटेंशन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर में। सेम प्रोटीन एंड लिपिड सरफेस के ऊपर बनते हैं, ईआर के सरफेस पे बनते हैं, देन वो क्या होता है, रो होता है मेटेरियल, फिर बाद में गोल्गी बॉडीज को दिए जाते हैं, गोल्गी बॉडी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाइड कर देता है, भाई जैसा चाहिए वैसा मॉडिफिकेशन वो कर देगा, फिर वो पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडीज का काम है, फिर पैकेजिंग करता है और वो जहां जरूरत होती है वो भेज देता है, और भेजने के लिए पूरा नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक का होता ही है। क्लियर, देखिए ये सेल है, पूरी सेल के बाहर का आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को ये देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेसिकली, और इसके बीच बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर, फिर उसमें एंडोप्लाज्मिक का एक रेटिकुलम होता है जो बेसिकली आपका न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन की तरफ फैला हुआ होता है, चारों तरफ फैला हुआ होता है, चारों तरफ 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, पूरा फैला हुआ होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो उसमें तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, जो बेसिकली अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं, सरफेस के ऊपर राइबोसोम होते हैं, क्लियर। एंड जिसकी वजह से इनकी सरफेस रफ होती है, खुरदरी सरफेस होती है, ओके। ये देखिए, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो आपको ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, आपको सिस्टर, ये दिख रहा है सिस्टर नहीं है, ये बेसिकली एक पूरी एक सिस्टर नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी एक सिस्टर नहीं है, क्लियर। इस सिस्टर नहीं के ऊपर आपका ये आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे राइबोसोम। और ये सिस्टर्नी के बीच का स्पेस होता है, देखेंगे आप छोटा सा बीच का स्पेस, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे ये स्पेस है सिस्टर्नी के बीच का, जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ओके। दूसरी लैंग्वेज का ल्यूमन बोलते हैं। और ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये अनब्रांच्ड होती है, ये इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ निकल गया, फिर तीसरे में से कुछ निकल गया, ब्रांचिंग नहीं होती है, ओके। ट्यूब्यूल्स की बात करें तो बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है और ये स्मूथ सरफेस होती है। तो ट्यूब्यूल्स के अंदर स्मूथ है, मतलब लिपिड का सिंथेसिस ट्यूब्यूल्स में होता है, ओके। तो ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इसके अंदर ये ब्रांच्ड होता है, ये देखिए ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ओके। इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ये राइबोसोम से फ्री होती है, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, ओके। तो ईआर वेसाइकल्स क्या होते हैं बेसिकली, तीसरा जो पार्ट है इसका, ये वेसाइकल्स क्या होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन के बने हुए, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। और जनरली क्या होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वेसाइकल्स रिलीज किए जाते हैं। फिर वो ऐसा एसईआर अपने वेसाइकल्स को गोल्गी बॉडीज के अंदर छोड़ देता है, फिर वो छोड़ देता है, मतलब ऐसा जब एसईआर वेसाइकल्स को रिलीज कर रहा है तो उसमें क्या हुआ, उसमें लिपिड हुआ, फिर वो गोल्गी बॉडीज में जाता है। गोल्गी बॉडीज में जाने के बाद में गोल्गी बॉडीज उसको रिसीव करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, और मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसको रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। ये वेसाइकल्स हैं। आपको कन्फ्यूजन अब हो रहा होगा कि सब प्रोटीन का फिर कैसे, क्या प्रोटीन के लिए वेसाइकल्स नहीं बनते, बनते हैं, कभी कभी उसके लिए भी बनते हैं, बट जनरली क्या होता है कि जनरली क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जनरली सॉरी, जनरली क्या होता है कि ये जब राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने के बाद में ये करते क्या है बेसिकली, जैसे कि यहाँ मान के चलो कि यहाँ पे कोई प्रोटीन बन गया, इसने यहाँ प्रोटीन एक बना दिया, ठीक है, ये प्रोटीन की एक बना दिया, फिर प्रोटीन को इसके ल्यूमन में ही छोड़ दिया जाता है। जनरली ऐसा होता है, ल्यूमन में छोड़ दिया जाता है, फिर उसके ल्यूमन से होता हुआ वो गॉल्गी बॉडीज के पास चला जाता है, समझ में आ गया। तो ये ल्यूमन में छोड़ देते हैं यहाँ पे उस केस में, ओके। अब उसके फंक्शंस, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सभी जो सिस्टम होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन लिए बाउंड होता है, और ईआर को बेसिकली टोटल मेम्ब्रेन का 2/3 पार्ट कवर करता है। पूरा अगर सेल मेम्ब्रेन देखें तो उसका 2/3 पार्ट तो अकेला कवर करता है, मतलब अगर आप देखें सारे सेल के अंदर जितनी भी सारी मेम्ब्रेन को आप जोड़ लीजिए, उसका 2/3 पार्ट केवल अकेला ईआर कवर करता है, ओके। दैट्स वाई इसका एंडोस्केल्टन, मतलब उसका स्केल्टन यही बना के रखता है। फंक्शंस की अगर बात करें, आरईआर का जो बेसिक फंक्शन होता है, एक तो गोल्गी अपरेटस को बनाना, और दूसरा प्रोटीन को बना के उस सिस्टर्नी के ल्यूमन में छोड़ देना, क्लियर। एसईआर का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स को बनाना, और उसको वेसाइकल के फॉर्म में रिलीज करके ट्यूब्यूल्स में छोड़ देना, फिर ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो वेसाइकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है और गोल्गी बॉडीज में चला जाता है। अदर फंक्शंस आप देखेंगे तो ये होता है माइक्रो बॉडीज को बनाना। माइक्रो बॉडीज बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ओके। लाइक पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, स्पिजोसोम्स, ये तीन डिफरेंट माइक्रो बॉडीज होते हैं। इन तीनों के फंक्शंस होते हैं अलग अलग, बट ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। जब आप सेल को होमोजेनेट करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम के अंदर होमोजेनेट करते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, ओके। एंड जब इनको लाइक हम जब आरईआर, जब ये लाइक माइक्रो बॉडी इन्हीं से बनती है, जब आईसीआर जब ये फ्रेगमेंटेड होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब फ्रेगमेंटेड होती है, तो फ्रेगमेंट के बावजूद ही ये माइक्रो बॉडीज बनती हैं, ओके। एक मोन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन एसईआर के थ्रू ही किया जाता है। बाय द वे पेरोक्सिसोम भी, याद रखना, पेरोक्सिसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ओके। ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो एसईआर और दूसरा पेरोक्सिसोम, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये वाले बेटा याद रखना हमेशा। प्रोबेबली कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये पेरोक्सिसोम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं,
ओके, पेरोक्सिसोम और ये आपका SER, ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। ओके याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम तो बेसिकली लाइक जो आपका SO2, जो हाइड्रो SO2 का कैटालिसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके नाउ नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे एग्जांपल के डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल क्या होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का ही डेरिवेशन होता है, डेराइव होता है। ये बेसिकली क्या करता है, दो डिफरेंट सेल्स के बीच की जो ER होती है ये आपस में इसको कनेक्ट कर देता है। जैसे कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो क्या होता है कि एक सेल से ER का एक धागा निकलता है और वो धागा दूसरी सेल को कनेक्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये प्लाज्मोडेस्माटा का ही एक डेरिवेशन होता है। ओके जैसे कि आप मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, तो ऐसा नहीं है कि भाई ER अपना विद इन सेल काम करता है, ये तो आउटर सेल भी काम करता है, तो ये धागे के फॉर्म में बाहर निकलता है। ओके मसल सेल के अंदर जो ER होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलते, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है। जब कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, क्योंकि कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो सेल डिवीजन जब बंद होता है तो कैल्शियम आयन वहाँ पे बेसिकली अपने हेल्प देता है, हेल्प रिड्यूस करता है, तो वो बेसिकली वहाँ पे काम आते हैं। ओके ओके थैंक यू सो मच अगेन, एंड लाइक वी स्टडीड अबाउट द बेसिकली दिस लाइक योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी हमने बेसिकली गोल्गी बॉडीज के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर सेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।